हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। हमने ये चैप्टर ऑलरेडी सीख लिया है, फिर एक बार हम रिवाइज करते हैं। वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स हमने पहले ही बताया है कि वॉवल्स कितने हैं, 5। कितने वॉवल्स हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू। आपको सिर्फ और सिर्फ वॉवल याद रखने हैं। वॉवल याद रखोगे तो कॉन्सोनेंट अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे, यानी समझ में आ जाएंगे। अब देखो, अल्फ़ाबेट्स आर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। अल्फ़ाबेट्स यानी ए टू जेड, है ना। तो हमने ये पढ़ा है कि अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर होते हैं, है ना। तो अल्फ़ाबेट्स को डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट में। कौन से दो पार्ट में? वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट। तो वॉवल्स कितने हैं? वॉवल्स आर 5। देर आर 5 वॉवल्स, ए, ई, आई, ओ, यू। आपको ये बार बार रिपीट करना है। वॉवल्स 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू। आप अपनी हैंड की 5 फिंगर को यूज़ कर सकते हो याद करने के लिए। ए, ई, आई, ओ, यू। वॉवल्स है 5, ए, ई, आई, ओ, यू। बार बार रिपीट करने से ये आपको वॉवल याद रह जाएंगे। अब क्या है, वॉवल्स तो हमको मिल गए ए, ई, आई, ओ, यू, तो बाकी के सारे लेटर्स क्या हो गए? कॉन्सोनेंट्स। देर आर 21 कॉन्सोनेंट्स, 26 अल्फ़ाबेट है, उसमें से 5 वॉवल्स है और बाकी के जो 21 लेटर बचे वो है कॉन्सोनेंट्स, यानी कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। तो ये सारे कॉन्सोनेंट कहे जाते हैं। तो वॉवल 5 है और बाकी के सारे जो लेटर है उसे कॉन्सोनेंट कहा जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, वॉवल्स किसे कहते हैं और कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, वॉवल कौन से है और कॉन्सोनेंट कौन कौन से है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। राइट द करेक्ट वॉवल, यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए गए हैं और यहाँ पे ब्लैंक्स दी गई है, उसको करेक्ट वॉवल लिखना है। तो आपको वॉवल याद करने होंगे। कौन कौन से वॉवल है? 5 वॉवल, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, ये सारे 5 वॉवल है। ये पिक्चर है कैट का, C, A, T, कैट, कौन सा वॉवल आया? A। ये है डॉग का पिक्चर, D, O, G, डॉग, O वॉवल आया। H, U, T, हट, है ना, यू वॉवल आया। फिर ये नल, टैप, टी ए पी, टैप, ए वॉवल आया। टेन, टी ई एन, टेन, ई वॉवल आया। कप, सी यू पी, कप, यू वॉवल आया। पिन, पी आई एन, पिन, आई वॉवल आया। और ये पिक्चर है सन, एस यू एन, सन। तो इसी तरह से ए, ओ, यू, ए, ई, यू, आई, यू, ये सारे वॉवल्स आते हैं। सी ए टी कैट, डी ओ जी डॉग, एच यू टी हट, टी ए पी टैप, टी ई एन टैन, सी यू पी कप, पी आई एन पिन, एस यू एन सन। तो आपको वॉवल याद रखने हैं कि वॉवल 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स, और बाकी के सारे वर्ड्स को कॉन्सोनेंट कहा जाता है। अब एक बार दूसरी एक्सरसाइज हम देख लेते हैं। राइट वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन करेक्ट कॉलम। यहाँ पे देखो, वर्ड्स लिखे गए हैं, यहाँ पे वॉवल्स के लिए जगह दी है और यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स के लिए जगह दी है। तो आपको क्या करना है, इस वर्ड्स में से वॉवल्स यहाँ पे लिखने हैं और कॉन्सोनेंट्स इधर लिखने हैं। तो फर्स्ट है ऑरेंज, ऑरेंज में फर्स्ट क्या है? ओ। ओ क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू, तो ओ वॉवल है, ओ। फिर ये आर है कॉन्सोनेंट, ए वॉवल, एन,
जी ई, ई वॉवल, ओके। अब दूसरा एलिफेंट, ई, फिर एल कॉन्सोनेंट, ई, पी, एच, एच किस में आएगा, कॉन्सोनेंट में, वॉवल नहीं है, ए, एन, टी, तो ये कॉन्सोनेंट। इस तरह से आपको वॉवल और कॉन्सोनेंट समझ में आ जाएंगे। एच कॉन्सोनेंट हॉर्स, एच, फिर ओ है वॉवल, आर, एस, ई, ये है वॉवल। अम्ब्रेला, यू वॉवल है, एम, बी, आर, ई, एल, एल, ए वॉवल्स, और ये कॉन्सोनेंट। स्पेलिंग में से, वर्ड्स में से वॉवल और कॉन्सोनेंट अलग करने हैं। आपको वॉवल और कॉन्सोनेंट पता होंगे तो आपको ये अच्छे से कर पाओगे। क्यू कॉन्सोनेंट, यू वॉवल, ई, ई वॉवल, एन कॉन्सोनेंट, टोमेटो टी कॉन्सोनेंट, ओ वॉवल, एम कॉन्सोनेंट, ए वॉवल, टी कॉन्सोनेंट, ओ वॉवल, है ना। तो इस तरह से आपको अगर वॉवल्स पता होंगे तो कॉन्सोनेंट अपने आप आ जाएंगे। आई होप बच्चों आपको समझ में आया हो। थैंक यू।